मेरा चेहरा पूरा मतलब क्या बोले पानी पानी पसीना पसीना हो गया और मेरा शरीर भी पूरा भीग गया है। मुश्किल हो रहा है यहाँ पे गड्ढा खोदना, वहाँ पे देखिए वो टायर जो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, और इधर पे मतलब खोदते खोदते यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला हमें, इतना सारा शीशा का बोतल। और ये रहा हमारे पास दो कुदाल, ये एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, एक बेलचा और ये है फांग। ये हमारा सेकेंड कैमरा मैन और ये देखिए अपना छोटा भाई। दोस्तों दोबारा आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, मैं हूं आपका दोस्त आनंद दास। और दोस्तों आज हम बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे कि देख ही सकते हैं कि मेरा चेहरा पूरा मतलब क्या बोले पानी पानी पसीना पसीना हो गया और मेरा शरीर भी पूरा भीग गया है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। हम लोग क्या हो गया, हमारे घर पे जो थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और जो भी ट्यूबवेल का वेस्टेज पानी है सब एक जगह हमारे जो आंगन है वो हमें पूरा भर जाता है, जिसके कारण हमने आज मैंने क्या किया कि मैं यह गड्ढा खोद रहा हूँ। तो आधा आधी मैंने खोदा, आधा नहीं करीबन 20% खोदा हूँ अभी, और भी बाकी है तो यहाँ पर मैं खोद रहा हूँ। और दोस्तों ये देखिए हमने इतना खोद दिया यहाँ पर, ये पूरा मैंने अकेले खरीदा और कोई भी नहीं है मेरे साथ काम करने के लिए। यहाँ पर ये देखिए ये जो आंगन है ये पूरा पानी हो जाता है बारिश गिरने से भी, और जो भी हमारा जो ट्यूबवेल का पानी है ये सब इधर आके इधर से पूरा इधर पूरा पानी हो जाता है। पहले हम लोग इधर कपड़े सुखाते थे, लेकिन अभी इधर पे पानी आ जाने की वजह से तो मतलब कपड़ा इधर नहीं सुखा सकते, तो इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने गड्ढा खोद दिया। अभी इतना तो मैंने यहाँ पर खोद दिया है, देखिए यहाँ पर पूरा टीला बन गया अभी एक मिट्टी का, ये रहा एक टीला बन चुका है। और देखिए गड्ढा खोदने समय कितना हमें यहाँ पर क्या मिला, देखिए इतना सारा बोतल। ओह माय, देखिए दोस्तों हम लोग गड्ढा यहाँ पे जब खोद रहे थे, इतना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे गड्ढा खोदना, वहाँ पे देखिए वो टायर जो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, और इधर पे मतलब खोदते खोदते यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला हमें, इतना सारा शीशा का बोतल। देखिए इतना मुश्किल से मैंने यहाँ पे ये वाला जो गड्ढा खोदा है, ये हमारे जो पूर्वज है उनका ये नतीजा है, उनका जो कारनामा है कहे। देखिए कितना सारा बोतल खा के इधर पे फेंका था, इतने बड़े बड़े पत्थर निकले। और भी देखिए आपको हम और दिखाते हैं, ये देखिए इधर इतने सारे कपड़े और उधर में पूरा शीशा शीशा है पूरा। मैं उसको बाद में क्या करूँगा, एक पॉलीथिन में या किसी में बैग में। इसके लिए पांग को यूज़ किया जाता है, नहीं तो कहीं पर अगर आपको छुट्टी करना है तो उसके लिए भी हम बैग वेग में भराऊंगा और कई सेफ जगह पे रख दूंगा। और कई एक भैया आते हैं जो ऐसे शीशा वीशा लेके जाते हैं तो हम उनको दे देंगे, क्योंकि अगर ये हमारे घर पे रहेगा तो किसी का पैर वेर कट जाएगा या कटने की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा या किसी को ज़्यादा भी चोट लग सकता है इससे। ये जो शीशा जो भी यहाँ पे मतलब इतना जो गड्ढा खोदने समय हमें मिला, तो इससे किसी को भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बोतल में बैग में भराएंगे और इसे किसी को हम दे देंगे। एक भैया आते हैं जो कबाड़ी वाला भैया है, तो वो आते हैं हम उनको दे देंगे। और दोस्तों इसे खोदने के लिए मुझे करीबन अभी तक लगा तीन घंटा लगा इसे मुझे खोदने के लिए। अगर ये सब नहीं होता ना तो दोस्तों 3 घंटे में तो मैं जितना मुझे खोदना था मैं वो पूरा खोद लेता, लेकिन क्या कहे इतना सारा शीशा मतलब एक कुदाली मारते हैं, ये वाला जो कुदाली एक मारते हैं तो सीधा शीशा ही निकल जाता है। ऐसे करते करते मतलब 3 घंटा से ज़्यादा हो गया और अभी तक मैं इतना ही कर पाया हूँ। मैं सोचा था आज को इसको ख़त्म कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये फिनिश हो जाएगा। तो अभी ठीक है दोस्तों, दोबारा से हम अपने काम पे लगते हैं। और शायद कुछ मेरे व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, वो लोग ये सोच रहे होंगे देखिए कितना गंदा काम कर रहे, देखिए हाथ वाथ पूरा गंदा हो गया, पूरा पसीना हो गया। सोच रहे होंगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, इतना गंदा काम कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी बात नहीं है दोस्तों, अगर आप घर में हैं तो आप अपना घर का काम खुद कर सकते हैं। अगर आप घर पर ऐसे बैठे हुए तो क्या करेंगे, ऐसे मतलब किसी को पैसा देने से अच्छा घर का काम खुद ही करे, तो इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूँ। और मैं घर पे जब रहता हूँ जितना हो सके घर का काम खुद ही करने के लिए कोशिश करता हूँ, किसी और को नहीं देता। और बेड़ा बेड़ा कुछ टूट जाए सब मैं खुद ही बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। हम अपना काम शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और ये रहा हमारे पास दो कुदाल, ये एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, एक बेलचा और ये है फांग, इसको हम लोग फांग बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग साइज़ को मिलाने के लिए, ये इससे क्या होता है हम लोग साइज़ को मिलाते हैं, हाँ जो साइड में ऐसे जो होता है ना, नहीं तो क्या होता है वो अच्छे से नहीं होगा, वो ऐसे हो जाएगा मतलब सीधे सीधे नहीं जाएगा जो गड्ढा है वो आपका। तो अगर आपको खुट्टी करना है तो भी आपको ये फांग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो ठीक है अभी चलते हैं काम करते हैं, पसीना पसीना हो गया दोस्तों।
अभी काम कर करके हम थक गए, अभी हम थोड़ा देर फ्रेशअप होंगे और मुझे भूख भी लग रहा है। तो अभी करीबन बज गए दोपहर के 3, तो खाना खा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर से काम चालू करेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थक गया हूँ दोस्तों, सांस फूल गया। और दोस्तों ये रहा मेरा हथियार जिसे मैंने काम किया था। ये अपना वीडियो शूट करने वाला ट्राईपॉड और ये है अपना प्लास्टिक बोतल। और लेटर इन द वॉइड। तो दोस्तों अभी समय हो चुका है करीबन शाम के 3:25 और वापस से अभी हम लोग काम चालू करते हैं और खाना खा लिया हम लोगों ने। तो कुछ देर पहले हम लोगों ने इतना खोदा था, यहाँ पर देख लीजिए, पहले हमने इतना खोदा, तो अभी वापस से काम चालू करते हैं। और ये जो है इसको हम सब तरफ इधर उधर कर देंगे, बिछा देंगे, तो क्या होगा ये बराबर लेवल का हो जाएगा। और अगर कुछ रहा तो उसको हम लोग इधर तक बिछा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी हो जाता है जब बारिश का मौसम होता है, तो स्कूटी आना जाना करने के लिए थोड़ी तकलीफ होता है, तो यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से अगर अच्छा मिट्टी निकालता है थोड़ा लाल वाला, तो ही हम उसको करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो गंदा लगेगा। ठीक है, तो वापस से काम चालू करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों छोटे से ब्रेक के बाद। अभी के लिए बाय बाय। पता टकली तो की गोया से आको कसम को ए या खाबा जी ना चंदा से ना ओ सब कटा हो गयो। हां और दोस्तों थक गयो और शाम और मच्छर भी बहुत ही ज्यादा आ रहा है और मैं पूरा थक गया हूं। और देखिए पसीना कैसे निकल रहा है, इतना ज्यादा पसीना निकल रहा है, ओ मागो हाथ भी बहुत गंदा है, मुंह कैसे पूछू, पूरा गीला गीला हो जाएगा, मतलब कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, तो हाथ से तो मुंह नहीं पोंछ सकते हैं। और दोस्तों मच्छर आ गया, तो अभी काम हम लोगों ने रोक दिया। यहाँ पर जितने भी शीशे मतलब बोतल का टुकड़ा जो भी है, तो उसे हम एक बस्ता में अभी जमा कर लेंगे और कहीं पर रख देंगे, और बाकी का जो भी काम है वो हम लोग क्या करेंगे कल करेंगे। ठीक है, तो आज हमने कितना किया है ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज हमने इतना किया है, ये करीबन होगा आपका 2 फुट के आसपास या 2.5 फुट के आसपास होगा। तो ये रहा आयो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब ये होगा करीबन 2 फुट के आसपास। और यहाँ पर इतना सारा मिट्टी जमा, देखिए दोस्तों इतना सारा मिट्टी जमा हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, आज नहीं कल इसको पूरा इधर उधर पूरा बिखेर देंगे, और ये जो प्लाईवुड है इसको हम यहाँ से साइड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे जो बतख है वो नहाते थे, लेकिन अभी से उनको नहाने नहीं मिलेगा, अगर उनको नहाने होगा तो ये इसी पे नहाना पड़ेगा उनको। तो ये रहा जो शीशा, ये सब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो बैग है क्या देखा, इस वाले बैग से हम लोग नहा लेंगे। ठीक है, तो ये सभी शीशा देखिए कितना छोटा छोटा शीशा है, ये देखिए ये शीशा छोटा छोटा, ये सब हम लोग इस बैग पे यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी डालेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होने के बाद हमें काम करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि मच्छर आएगा दोस्तों, इसलिए तो हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, फास्ट फास्ट करेंगे। उसके बाद हमें नहा धो के दुर्गा पूजा भी जाना है घूमने के लिए, फिर जल्दी काम पड़ेगा। और दोस्तों आपको हम लोग दिखाने जा रहे हैं हमारा जो कैमरा मैन है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों ये है अपना भाई, तो ये अपना कैमरा मैन भाई, तो कैमरा मैन बनने के लिए सही सर। भैया हाय गाइस, ला थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। और बाकी दोस्तों आज के लिए ये वाला वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसको टू भी कंटिन्यू रखते हैं हम लोग कल के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह को।